हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का वेलकम एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो बहुत लोगों का सवाल था कि मोर पंख का कौन सा पार्ट खाना है, किसके साथ खाना है, किस तरीके से लेना है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट हमारे पे अभी भी आते रहते हैं, जबकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना लिए आप लोगों के लिए, पर मेरे पास मोर पंख नहीं था, इसलिए मैं दिखा के नहीं बना पा रही थी कि आपको कौन सा पार्ट खाना है। तो अभी मेरे पास मोर पंख है, मिल गया है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि इसमें कौन सा पार्ट आप लोगों को खाना है, किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। वैसे बेटी बेटों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं या मेरा चैनल इस बात का समर्थन एकदम नहीं करता है कि बेटी बेटों में भेदभाव किया जाए। फिर भी कुछ लोगों की चाहत होती है, जिज्ञासा होती है कि उनको बेटा ही हो, तो उनके लिए ये उपाय है। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहे हैं। अभी थोड़ा आवाज़ आ रही है, बाहर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ मेरी बात सुनिएगा थोड़ी, क्योंकि बाद में वीडियो सुनते हैं ना तो आवाज़ें आ जाती हैं, जबकि कोशिश करते हैं दरवाजे बंद करके कि ना ही बाहरी की आवाज़ आए, लेकिन आ जाती हैं। तो चलिए, जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। इसकी मत कीजिएगा, तभी जान पाएंगे कि क्या आपको करना है। तो ये मोर पंख है और इसमें ये देखिए, यहाँ पे जो गोल गोल दिख रहा है ब्लू कलर का, इस पार्ट को निकालना है काट के, सिर्फ इतने पार्ट को काट के निकालना है। और उसके बाद में इसको, इस मोर पंख के जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये काट के निकालना है, लेकिन इतने से नहीं होगा, थोड़ा आप ज़्यादा लीजिएगा उसको। पुराना गोल को तो बेहतर है, पुराने गोल में मिला लीजिए, गोले मिला लीजिए तेल, और गाय के दूध से स्पष्ट जान लीजिए, गाय के दूध से आपको इसको 3 दिन तक सुबह के टाइम लेना है, 3 दिन तक सुबह के टाइम लेना है गाय के दूध से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अगली बार आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक सवाल और रहता है कि कब लेना है। तो आपका 2 महीना पूरा होते ही, 3रा महीना, जैसे 14 तारीख को डेट आपका आया है पीरियड्स, 14 एक बीत गया, दूसरा 14 बीत गया, तब 3रा 14 लगने से पहले आपको इसको लेना है, ठीक है। जैसे 14-13 को ले लीजिए, 13-14-15 3 दिन तक आपको लेना है, कब, जब 2 महीने आपकी प्रेगनेंसी के हो गई हो तब। तो इस बार क्लियर हो गया होगा ना, आपकी बार तो मैंने दिखा के बना दिया, तो इसको ट्राई कीजिए, फिर कमेंट करके बताइए आपने ट्राई किया या नहीं। ये विशेषकर ममता जी के लिए, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि कैसे करना है दीदी, कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।